नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज में। सीकर के नीमगा थाना कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई कर दुकान में गुस्से मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर के नीमगा थाना में चोरों ने बालेश्वर धाम मंदिर में रखे दानपात्र और पुजारी के मोबाइल पर हाथ साफ किया है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। फतेहपुर के दात्रू और जेठवा का बास गांव में चोरों ने मचाया उत्पात, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फतेहपुर के महाकालेश्वर मंदिर में संतों के सानिध्य में देर रात भजन संध्या का आयोजन। फलसाना पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर एक पुरुष सदस्य महिला की वेशभूषा में आया, हालांकि कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की। 12 के मांगरोल में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, स्टाफ लगाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। 12 के रामगढ़ कस्बे के पास बरसात से पुल टूटने के बाद कई गांवों का संपर्क टूटा, ग्रामीणों को 40 किलोमीटर दूर घूमकर जाना पड़ता है। 12 के पिपलोद गांव में श्रद्धालु का जत्था श्रीकामखेड़ा बालाजी धाम के लिए रवाना। 12 के शाबा क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यालय के प्रांगण में जिला प्रमुख उर्मिला जन भाया ने की जनसुनवाई। 12 के किशनगंज क्षेत्र में कस्बे की बदहाल सड़क से आमजन को काफी परेशानी हो रही है। करौली के इंडौन सिटी में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करने से परेशान महिला ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। इंडौन के तपोस्थली गोमती धाम सागर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन, इस दौरान 101 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। करौली के इंडौन सिटी में ग्रामीणों ने अपनी पंचायत को कटकड़ उप तहसील में जोड़ने को लेकर विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। केशवपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत रमेश चंद्र शर्मा के सेवानिवृत्ति पर उनका सम्मान किया। करौली के मंडरायल क्षेत्र में किसान पर खेती करते समय जंगली सूअर ने किया हमला, घायल किसान को चिकित्सालय में कराया भर्ती। श्रावण मास के चलते बेगू खंड क्षेत्र में शिव भक्तों द्वारा जगह जगह कांवड़ यात्रा निकाली गई। बेगू क्षेत्र को रेल सेवा से जोड़ने की मांग एक बार फिर से तेज, ग्रामीणों ने रेल मंत्री और सांसद को लिखा पत्र। बेगू के गलिया बावड़ी से लापता हुई बालिका का अब तक नहीं लगा सुराग, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शेखावटी एम एकेडमी के बच्चों ने ग्रीन डे मनाया, बच्चों ने पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा शनिवार को क्षेत्र के शहीद रूपा जी कृपाजी राजकीय महाविद्यालय प्रांगण में पौधारोपण करके आगामी छात्र संघ चुनाव की रणनीति पर चर्चा। राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाले बेलखंडा पीपली खेड़ा सड़क की खस्ताहाल होने से आमजन के लिए परेशानी का सबब बना। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की बैठक पर मोर्चा ने उदयपुर संभाग के कई कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में सभी पदों पर अपने पैनल उतारने का निर्णय लिया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में संत केवलाराम महाराज का चतुर्मास चल रहा है, इस दौरान धर्म सभा में उन्होंने कहा कि भगवान की कथा मोक्षदायिनी होती है। डूंगरपुर के नेहरू युवा केंद्र की ओर से सीमलवाड़ा और चिखली के स्कूलों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। डूंगरपुर के बिलड़ी में डूंगरपुर जिला ग्राम विकास अधिकारी संघ के लिए संघ के जिला कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न, राहुल रोत को संघ का जिला अध्यक्ष बना। डूंगरपुर के आसपुर उखंड क्षेत्र की कतिसोर लपनिया सड़क बारिश में जगह जगह टूटी, ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया। भीलवाड़ा के रायला क्षेत्र में तालाब में डूबने से बालिका की मौत, मवेशियों को चराने गया था बालक, पैर फिसलने से बालक की मौत। भीलवाड़ा के पूर्व क्षेत्र में प्रशासन शहरों के संघ शिविर का आयोजन, 150 आवास से पट्टे बांटे गए। भीलवाड़ा के गंगापुर क्षेत्र में लेटे हनुमान मंदिर में डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 5 आरोपियों को जेल भेजा। भीलवाड़ा के शाहपुरा में महिलाओं ने मनाया सावन महोत्सव, मौसम में एसडीएम सुनीता यादव ने महिलाओं संग किया जमकर नृत्य। भीलवाड़ा के रायला क्षेत्र में रतनलाल सुमानी के घर के बाहर खड़ी बुलेट हुई चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। कोरोना का हवाला देकर बंद हुई मकराना परबतसर रेल सेवा, 2.5 साल बाद भी बहाल नहीं हुई, शहरवासियों ने रेल सेवा को फिर से शुरू करने की मांग की। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम पादुकला पहुंचे राजस्व मंत्री रामलाल जाट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नागौर के गोगलाव क्षेत्र में जिला प्रशासन और पद्मश्री हिम्मताराम भांबू के तत्वाधान में 1000 पीपल के पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया। नागौर दौरे पर रहे मंत्री इमराम चौधरी, रामलाल जाट और डॉक्टर संजीव चौधरी ने वन महोत्सव और पर्यावरण चेतना सम्मेलन में लगाए पीपल के पौधे। मेटा रोड के जारोड़ा में मिला पुराना नर कंकाल, सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, मौके पर जांच जारी है।
उदयपुर के पदराडा गांव में जिंदहाड़े सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रही तीन महिलाओं को ग्रामीणों ने दबोचा, पुलिस के हवाले किया और कार्रवाई चल रही है। उदयपुर के एक लिंगपुरा इलाके में 40 फीट गहरे कुएं में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत, सूचना पर नागरिक सुरक्षा दल की टीम पहुंची और शव को बाहर निकाला। उदयपुर के केरवाड़ा कस्बे में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय का अभिभावक समिति ने अवलोकन किया है। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। उदयपुर के पलासिया पंचायत समिति के मांदड़ा और मकड़ी गांव को जोड़ने वाली सड़क टूटने से वाहन चालकों को हो रही है काफी परेशानी। उदयपुर के सलूमर उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति सभागार में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन, सलूमर विधायक अमृत लाल मीणा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सम्मान समारोह का आयोजन, विभाग के लिए उल्लेखनीय कार्य करने पर प्रमोद कुमार शर्मा को सम्मानित किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस वार्ता की और कहा कि राज्य सरकार अपनी विफलता केंद्र सरकार पर मढ़ रही है। चूरू शहर में सभापति पायल सैनी ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने तारानगर क्षेत्र के गांव पंडरेऊ टिब्बा में विद्यालय में शीतल जलग्रह और पुस्तकालय का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने गाजेबाजे के साथ विधायक बुडानिया का भव्य स्वागत किया। विदासर में बिजली का चालू पैनल जमीन पर पड़े होने से कई जानवरों की मौत हो चुकी है, विभाग जो है ध्यान नहीं दे रहा। सिंधी समाज के इष्टदेव झूलेलाल साहिब का 40वां पर्व धूमधाम के साथ मनाया। झूलेलाल मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ब्यावर शहर में नो बैग डे के मौके पर SDM राहुल जैन और डिप्टी सुमित मेहडा ने सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। लीको इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को विज्ञान प्रोजेक्ट एक्टिविटी का आयोजन किया गया। सरवाड़ भीमेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति ने सहस्त्र धारा से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सरसपुरा जनकपुरी धाम से रामदेवरा के लिए 29वीं पदयात्रा जय बाबा की जयकारों के साथ रवाना। जोधपुर के तिवरी क्षेत्र में मौसम का बदला मिजाज, सुबह से ही बूंदाबांदी से मौसम हुआ खुशनुमा। तिवरी तहसील परिसर में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। राजकीय विद्यालय में नो बैग डे पर विद्यालय में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, इसमें सामाजिक कुरीतियां सड़क सुरक्षा नियम के बारे में छात्रों को जागरूक किया। जोधपुर के बाप क्षेत्र में शिव मंदिर में माहेश्वरी समाज द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया। बिलाड़ा पुलिस ने दुष्कर्म के दो आरोपियों को पॉस्को एक्ट के तहत मिजाजने से गिरफ्तार किया। पिछया गांव में सिंचाई विभाग का कार्यालय जर्जर अवस्था में, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। एक राय होकर मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर के पलौदी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हाकम खान की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। जोधपुर के फलौदी स्थित राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर पोस्टर का विमोचन, 13 अगस्त को उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। जोधपुर के बावड़ी क्षेत्र में पुलिस ने देसी शराब के 96 पौवे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हरलाया में 5 दिन से 20 घर अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर है। 5 दिन पहले बारिश के दिन घरेलू LT लाइन की केबल जल गई, इसके चलते शिकायत के बाद भी 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुध लेने नहीं आया। राजकीय विद्यालय की रसोई से 2 गैस टंकी और पानी की मोटर चोरी, PEEO ने ओसिया थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। गोपालगढ़ पुलिस ने ताबड़िया निवासी पप्पूराम नायक को अवैध शराब बेचने के आरोप में किया गिरफ्तार। ASI महेश मीणा मामले की जांच कर रहे हैं। ATM में रुपए निकालने आए युवक से शातिर बदमाश ने कार्ड बदलकर अकाउंट से निकाले 41,000 रुपए। हरिदेव जोशी सर्कल पर SBI ATM की घटना, पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। पाला रोड पर मिली जली हुई स्कॉर्पियो, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि ये कार बाड़मेर से चोरी हुई थी। भारतमाला प्रोजेक्ट पर 12 दिनों से रास्ते की मांग को लेकर धरना जारी, चितलवाना के देवड़ा में 5 किसान भू पड़ताल पर। तहसीलदार रामस्वरूप जौहर ने अपने सरकारी वाहन के चालक बाबूलाल के सेवानी वृत्ति के दौरान खुद वाहन चलाकर उसे घर पहुंचाया। जैन मंदिर को भू माफियाओं ने हत्याने का प्रयास किया, हावर में FIR दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस नामजद आरोप अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। सिरदरी थाना पुलिस से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से देसी पिस्टल स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त। बाड़मेर में हुई अच्छी बरसात के बाद किसान खेती में लगे हुए हैं, किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद है। बाड़मेर के मगरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने रास्ते में बीमार पड़े हिरण की जान बचाकर वन विभाग को इलाज के लिए सुपुर्द किया।
मेगा हाईवे पर मवेशियों का जमावड़ा होने से वाहन चालक परेशान, सरपंच संघ अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता और लटूरी सरपंच मनीष नागर ने रिडकोर की परियोजना निदेशक से व्यवस्था को फीकड़ने की बात कही। कोटा के कैदून थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, 540 ग्राम अवैध चरस बरामद, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोटा जिले के रामगंज मंडी में स्किल इंडिया अभियान के तहत जन शिक्षण संस्थान में बालिकाओं और महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया। बांसवाड़ा के कलिंजरा कस्बे में प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, मालवीय ने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को संबोधित किया। बांसवाड़ा की काटोल थाना पुलिस ने महिला और युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 2 नाबालिग को डिटेन किया। बांसवाड़ा के आनंदपुर थाना क्षेत्र के टेमरन गांव में महिला को सांप ने डस लिया, सांप के डसने से महिला की मौत। बांसवाड़ा जिले के बागेद्वारा कस्बे में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों के चलते ग्रामीणों में गुस्सा, ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारी को दिया ज्ञापन, बाइक चोरों को जल्द पकड़ने की बात कही। बांसवाड़ा की सल्लोपाड़ थाना पुलिस ने अपहरण के मामले में 3 महीने से फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में ऑटो की दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते 55 साल का बुजुर्ग और 14 साल का बालक गंभीर रूप से घायल। सहायक कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर पंचायत समिति रामगढ़ के प्रधान नसरू खान के नेतृत्व में कर्मचारियों ने किया जोरदार स्वागत। अलवर ग्रामीण की अकबरपुर चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के बाद भी पुलिस स्टाफ नहीं बढ़ाने से ग्रामीण परेशान, सरपंच महेश पटेल ने पुलिस स्टाफ बढ़ाने की मांग की। अलवर के राजगढ़ कस्बे के धार्मिक स्थल बागराज महाराज मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा के 6 दिन रुक्मणी कृष्ण विभाग कथा सुनाई। बानसूर के गांव चतरपुरा में हरित बानसूर अभियान के तहत सरपंच सतपाल चौधरी के नेतृत्व में पौधारोपण करके 500 पौधे लगाए। खैरतल कस्बे के बिजली घर चौराहे से लेकर लाल पहाड़ी तक जाने वाली सड़क टूटकर गड्ढों में तब्दील, आमजन और वाहन चालक परेशान, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। अलवर ग्रामीण के धर्मपुरा गांव से भर्तहरी धाम के लिए बच्चों ने दी दंडवत परिक्रमा, गांव की सुख समृद्धि की कामना की। थानागाजी में भैरव बाबा की निकली गई है पैदल यात्रा, सैकड़ों भक्त रहे मौजूद, भंडारे का आयोजन भी किया। नारायणपुर तहसील और सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। बानसूर के गांव गूंता में रसोई गैस सिलेंडर में खाने बनाता वक्त आग लगी है, आग लगने से अफरा तफरी, गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 तृतीय चरण के तहत कस्बे के संत कंवर राम हरि मंदिर में नगर पालिका द्वारा शिविर का आयोजन। नीमराना उपखंड की ग्राम पंचायत कुतीना में सुबह शिव मंदिर में डाक कावड़ चढ़ाए गए। अलवर के शाजापुर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें बने दरिया, PWD विभाग नहीं दे रहा ध्यान। उपखंड के वागौल में जल जीवन मिशन के तहत जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल संरक्षण बचाव और उसके उपाय पर एक विशाल रैली का आयोजन। आगामी परशुराम महादेव मेले की तैयारियों को लेकर पाली और राजसमंद जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। नडोल कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के खेल मैदान में उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम का आयोजन। देसुरी के जीनियस पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। हनुमानगढ़ में नगर परिषद ने आगावारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजा, साथ ही पशुपालकों के साथ समझाइश की। हनुमानगढ़ के गांव सतीपुरा स्थित अकादमी में बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दूसरे दिन कई रोमांचक मुकाबले हुए। नेहरू युवा केंद्र राजसमंद के निर्देशन पर स्वच्छ भारत अभियान का आगाज केलवा स्थित प्राचीन धोली पावड़ी को साफ करके हुआ। और चलिए यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी राजस्थान।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप, एक बार फिर शुरू कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। देवगढ़ पुलिस ने 13 साल से फरार चल रहे आरोपी को दबोचा, राजसमंद की देवगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। सांसद किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों ने पिछले दिनों मेले धमकी भरे पत्र के चलते जेड प्लस सुरक्षा की मांग को लेकर महवा में धरना दिया। दौसा के धर्मपुरा गांव के सरकारी स्कूल में सेवानिवृत्त हुए अध्यापकों का स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने भव्य स्वागत करके उन्हें विदाई दी। नेशनल हाईवे की से मानपुर गांव जाने वाले सड़क पर वाहन फंसने से ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा सोनिया गांधी को लेकर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने दौसा के सिकराय में स्मृति ईरानी का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। सिरोही जिले के दौरे पर आए सांसद देवजी पटेल विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत किए। सिरोही जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सिरोही के रेवदर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दूधू के नेशनल हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहा ट्रक तेल के टैंकर में जा घुसा, हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल जिसे पुलिस ने हॉस्पिटल भर्ती कराया। मौजबाबाद थाना क्षेत्र महला के नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित ट्रक ने थार गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल। सांभर लेक के दरबार सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में सांभर समाज मुंबई चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से विद्यालय में नवनिर्मित बालिका शौचालय का उद्घाटन किया। राजकीय महाविद्यालय चाकसू में राष्ट्रीय सेवा योजना के हरित पखवाड़े के तहत पौधारोपण किया गया। कोटपुतली के ग्राम पंडितपुरा में स्वर्गीय लादू सिंह शेखावत की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन, 54 युवाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। सांभर लेक में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष ब्रजेश कुमार शर्मा के निर्देशन में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया गया। आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों का निस्तारण करने की अपील की गई। सर मथुरा कस्बे से गोवर्धन धाम के लिए पदयात्रा रवाना, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा का कस्बे के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राजाखेड़ा कस्बे में स्थानीय प्रशासन की पहल पर पहली बार उपखंड स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन, जिसमें 76 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर द्वारा मचकुंड चौराहा और सागरपाड़ा धौलपुर पर पशु तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 10 वाहनों से 263 पशुओं को मुक्त कराया, साथ ही 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर अग्रवाल समाज द्वारा विदाई समारोह का आयोजन, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल रहे। धौलपुर की आशा सहयोगियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम धौलपुर SDM को ज्ञापन दिया। झुंझुनू के कृषि विज्ञान केंद्र अबुसर में उद्यान विभाग द्वारा बागवानी विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन, जिसमें 100 किसानों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी के प्रयास से जिला परिषद के द्वारा बहादुरवास ग्राम में इंटरलॉक सड़क स्वीकृत की गई। झुंझुनू के कोलिंडा ग्रामीण मंडल बीजेपी की ओर से बीजेपी नेता इंजीनियर प्यारेलाल ढुकिया के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। झुंझुनू के निकटवर्ती गोवली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय के पूर्व अध्यापक और राज्य सरकार से पुरस्कृत अध्यापक राम प्रताप सैनी के सौजन्य से विद्यालय में 50 पौधे लगाए गए। झुंझुनू के मलसेसर रोड स्थित नौरंग राम दयानंद ढुकिया नर्सिंग कॉलेज में एकेडमिक डायरेक्टर सुनीता ढुकिया की अध्यक्षता में हरियाली तीज उत्सव धूमधाम से मनाया। झुंझुनू नगर परिषद में AEN राहुल भाटिया के संयोजन में XEN श्रवण कुमार का सम्मान समारोह आयोजित। झुंझुनू के महंसर की सरकारी स्कूल में नो बैक डे के अवसर पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य इकबाल हुसैन के नेतृत्व में बाल सभा, जिसने प्रतिभाओं को सम्मानित किया। झुंझुनू के कोलसिया में स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष महाराजा अजमीर देव मंदिर के 13वें स्थापना दिवस पर पदयात्रा शुरू। ट्रस्ट अध्यक्ष नरेश नारनौली ने दुपट्टा उड़ाकर यात्रियों को रवाना किया। झुंझुनू बीजेपी की जिला मंत्री एवं पूर्व प्रधान नीता यादव ने कलेक्टर से मुलाकात करके महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र न भरने की पीड़ा रखी। झुंझुनू के कासिमपुरा निवासी एक महिला एसटी से मिलने के लिए झुंझुनू पहुंची महिला ने बताया कि उसकी 8 साल पहले शादी कासिमपुरा में हुई थी। झुंझुनू के उदावास गांव के ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावल से मिलकर पिछले दिनों एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। झुंझुनू के केजड़ी थाना क्षेत्र के रामपुरा के पास 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो जाने से हादसे में 4 लोग घायल हो गए। हादसे में 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
दो तीन दिन पहले झुंझुनू के सराय गांव में हुए झगड़े के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के गांव धाणी भालोट के युवाओं ने बाबा ठाकुर के मंदिर के सामने सैकड़ों पौधे लगाकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के गांव के 13 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ चल रही है। झुंझुनू के मानोता में खेचड़ी नगर पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया आरोपी को। गिरफ्तार आरोपी कालू पुत्र मामन सिंह निवासी रोजडा है। झुंझुनू के लिखवा में श्रीकृष्ण गौ सेवा समिति की ओर से चौथा स्थापना वर्ष और भामाशाह सम्मान हुआ है। इसमें पहुंचे बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत और पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल का सम्मान किया। झुंझुनू के क्यामसर में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर निकिता क्यामसरिया के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया।